दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो चलिए बनाते हैं एक बहुत ही यम्मी और टेस्टी सा केक अंडर 100 रुपीज़। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 6 टाइगर बिस्किट ले लिए हैं, जो कि 5-5 रुपए के मिलते हैं। एक 10 वाला इनो लिया है, 5-5 वाले 2 जैम्स लिए हैं मैंने यहाँ पर, एक 10 वाली किटकैट ली है और एक 10 वाला चॉकलेट सिरप लिया है, जो कि 30 ग्राम मिलता है 10 रुपये में। हम इन सारी चीज़ों से आज बनाने जा रहे हैं बहुत यम्मी सा केक। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मेरा केक का फाइनल लुक देखिएगा, और अगर मेरा केक आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जो टाइगर बिस्किट्स थे उनको मिक्सी के जार में हमने ऐड कर दिया है। हमको अपने 6 के 6 टाइगर बिस्किट्स मिक्सी के जार के अंदर ऐड कर देने हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे केक का फाइनल लुक देखकर ही जाइएगा। अब हमको अपने सारे बिस्किट्स को अच्छे से ग्राइंड करके इनका एक पाउडर बना लेना है। तो चलिए, अब हम अपने बिस्किट्स को ग्राइंड कर लेते हैं और इनका एक पाउडर रेडी कर लिया है हम लोगों ने। अब इस पाउडर में हम अपने रूम टेम्परेचर के हिसाब से मिल्क ऐड करेंगे और इसको थिन बैटर बना लेंगे अच्छे से। पाउडर में मिल्क ऐड करते जाना है और उसको थिन करते जाना है, उसकी कंसिस्टेंसी थिन करती जानी है हमको। अब हम अपने बैटर में इनो डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड करेंगे और इसको फिर से मिक्स करेंगे। अब हमने यहाँ पर ले ली है कढ़ाई, जिसमें हम सॉल्ट डाल के इसको प्रीहीट करने को रख देंगे 5 मिनट। तब तक हम एक राउंड शेप का बर्तन लेंगे, उसमें तेल लगाएंगे, फिर बटर पेपर रखेंगे, बटर पेपर के ऊपर से एक तेल लगाएंगे और इसमें अपना केक का बैटर डाल देंगे हम लोग। उसको अच्छे से सेट होने को रख देंगे अपने केक के बैटर को इसके अंदर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ऑयल भी नीचे लगा सकते हैं। अब हमको इसको 2 से 3 बार थप थप करना है, जिससे बटर पूरे में फैल जाए। अब हमने अपने प्रीहीट वाले कढ़ाई में एक छोटी सी कटोरी रखनी है, फिर उसके ऊपर हम अपना बैटर रख के इसको ढक देंगे और 10 से 20 मिनट अच्छे से इसको पकने देंगे। अब हम चेक करते हैं हमारा केक बना कि नहीं। हमने इसमें नाइफ़ डाला, अगर हमारा नाइफ़ पूरा क्लियर निकल के आता है तो हमारा केक बन चुका है। अगर नाइफ़ में केक के थोड़े थोड़े से भी पार्टिकल्स हैं तो नहीं बना है, पर हमारा केक पूरा अच्छे से रेडी हो चुका है 15 मिनट में। अब हम इसको पलट लेंगे और बटर पेपर को हटा लेंगे। आप देख सकते हो कितने आराम से हमारा बटर पेपर निकल रहा है, बिना बटर पेपर पे कोई दाग लगे, और केक तो बटर पेपर पे एक भी नहीं लगा और इतना सॉफ्ट केक बना है। मतलब पहली बार मुझसे इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा केक बना है और बटर पेपर भी पूरा साफ था, उसमें भी एक भी केक मतलब कटा वटा कहीं से कुछ नहीं है। देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है और ऊपर से कितना चॉकलेटी लग रहा है ना अपना केक। अब मैंने यहाँ पर जो 10 रुपये वाला चॉकलेट सिरप था वो ले लिया और केक के ऊपर इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। हम इसको स्पून की मदद से अच्छे से अपने केक में स्प्रेड करके लगाएंगे, जिससे चॉकलेटी लुक आए। और इसके बाद हम अपने केक को जैम से डेकोरेट करेंगे। पहले मैंने यहाँ पर थोड़ी वाइट चॉकलेट डाली, इसका जो वाइट वाइट ऊपर से लुक आए उसके लिए वाइट चॉकलेट मैंने डाली हुई है इसके ऊपर। अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे 5-5 रुपए वाले जैम्स थे उनसे डेकोरेट करेंगे। आप किसी और तरह से भी डेकोरेट कर सकते हो, मुझे ये वाला डेकोरेशन अच्छा लग रहा था। कुछ जैम जो थे वो जो टूट गए थे आते आते, पर बाकी सारे सही थे और मुझे अच्छा लग रहा था डेकोरेशन अपना। मैं बीच में बिगाड़ भी रही थी फिर सही कर रही थी, पर एंड में बहुत अच्छा बना था। अब मैंने यहाँ पर लिया है वेफर्स, ये 5 रुपए का मिलता है, एक बड़ी सी स्टिक्स आती है। इसको हम 3 पार्ट्स में अपने ब्रेक करके केक के ऊपर टॉप में रख देंगे। और ये केक का वीडियो मेरे पास बहुत पहले से पड़ा हुआ था, पर मेरे टाइम ही नहीं मिल पाता कि मतलब वॉइस लगा के एडिट करूँ। फिर मैंने यहाँ पर बर्थडे का स्टिकर डाल दिया था, क्योंकि मेरी मम्मी का बर्थडे था और मैंने उनके लिए सरप्राइज़ के लिए केक बनाया था, जिसकी लास्ट में फ़ोटो दिखाऊँगी आपको। अब मैंने यहाँ पर किटकैट लगा लिया, थोड़ा सा किटकैट को क्रश करके, देखिए केक के ऊपर से डाला है मैंने, किटकैट ही क्रश करके डाली है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, लुक वाइज भी बहुत ही अच्छा था, बजट फ्रेंडली था एकदम। और मैं ये केक अपनी मम्मी को कर रही हूँ उनके बर्थडे में गिफ्ट, मेरा गिफ्ट उनकी तरफ से ये भी था और डेकोरेशन थी, मतलब बहुत अच्छा केक
केक बना था, एक बार ट्राई ज़रूर करना, मैं आपको ये कहूँगी एक बार ट्राई करना। पिक भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छे आई है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब यही मैं बस कहूँगी कि बहुत ही बेस्ट था। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।